पा रहे हैं यहाँ पे दही बड़ा का मैं ऑलरेडी आपको इंट्रो में दिखा चुका हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दही के पानी में डुबाया हुआ करिया पत्ता है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक स्पून दिए जाते हैं कोविड के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी है अपने अपने लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मैं बहुत सही हूँ और आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखिए। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है गाइस, इट्स गोना बी काफ़ी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं जो है एक दिन स्टेशन से आ रहा था, इट वॉज अ मंडे, सो मतलब मैं एक जगह गया हुआ था तो वहाँ से मैं आ रहा था। तो मैं मतलब आई डिडंट हैड एनी ऑफ माई ब्लॉगिंग किट्स, लेकिन फिर भी मतलब इस दही बड़े वाले ने, जिसका आप अभी देख रहे थे इंट्रो में और आगे देखेंगे, मतलब ही वन माई हार्ट। काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स अ कम्प्लीट वैल्यू फॉर योर मनी। ही ओनली चार्जेस 20 rupees एंड ही प्रोवाइड्स 3 pieces ऑफ दही बड़ा। आई डिडंट फाइंड एनी दही बड़ा लाइक दिस टेस्टी एट सच अ लो प्राइस। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्या कर रहे भैया? यही तो मैं आज आया हुआ था यहाँ पे बस से, मतलब मैं ट्रेन से अभी उतरा तो मैं जा ही रहा था, तो ये भैया का एक मतलब दुकान मिला मुझे, तो ये यहाँ पे जो है वो दिखाइए। हाँ, रतन जन स्टोर और पीछे वो जय बजरंगबली हिंदू होटल है। हाँ, उसी के सामने जो है ऐसे भैया लगाते हैं। हाँ, तो इनका मतलब ऐसे तो गुल बाजार ये सब जगह घूम घूम के बेचते हैं। मतलब कितने बजे आप यहाँ पे आ जाते हैं? हम यहाँ 9:30 आ जाता। 9:30 से कितने बजे तक रहते? 1 बजे तक। और बाकी टाइम कहाँ कहाँ रहते हैं थोड़ा बताइए? गुल बाजार टाइम बताइए। 7 बजे जाता है गुल बाजार, उसके बाद 9 बजे जाता है जनता मार्केट, उसके बाद 10 बजे यहाँ जाता है बस स्टैंड। गुल बाजार में कहाँ पे लगाते हैं? तो गद्दी के सामने, गद्दी के सामने, प्याज गद्दी के सामने। तो गाइस जो जनता मार्केट में प्याज गद्दी है वहाँ पे आपको इनका शॉप मिल जाएगा। आलूदम है, आलूदम है, ये सब ठीक है। आलूदम है, आलूदम अलग से दिया जाता है और घुगनी अलग है, तो ये भी काफी ज्यादा खास है। फ्री में मिला जाएगा, प्याज कटा हुआ है और प्याज भी फ्री मिलेगा। इधर जो है आप देख पा रहे हैं ये जो है घुगनी है, राइट? तो घुगनी भी काफी ज्यादा मसालेदार है, थोड़ा जूम कीजिए आप अंदर रहिए। घुगनी फ्री मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये काफी ज्यादा जो है घुगनी में, मतलब जो है घुगनी का मतलब संख्या काफी ज्यादा है मटर का, और प्याज भी फ्री मिलेगा आपको, और प्याज वाज है, और साथ में यहाँ पे जो है ये सेव मिलेगा। और ये जो है क्या क्या चीज है? धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, आम का अदरक, मिर्चा, इसको ग्राइंड करके मसाला बना। धनिया पत्ता, अदरक, पुदीना पत्ता, ये सब ग्राइंड करके मसाला बना। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो दही का, ये दही और क्या है, चीनी नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ दही है, सिर्फ दही है। और ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर, काला नमक और मिर्ची पाउडर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा पाउडर नहीं है, मतलब ये जो है मतलब चिली फ्लेक्स आप देख पा रहे हैं, तो कुछ रंग वंग इसमें जो है। रही इस दुकान की लोकेशन की बात, तो अगर आप स्टेशन से बस स्टैंड आते वक्त पहला राइट लेते हैं तो आपको ये दुकान दिख जाएगा। और ये जो भैया है कभी कभी जनता मार्केट, मतलब जो बस स्टैंड से आते वक्त आपको प्याज की बड़ी बड़ी गोडाउन दिखती हैं वहाँ पे लगाते हैं कभी कभी बस स्टैंड में। तो लोकेशन का ठिकाना नहीं है, तो मैं नंबर इनका और साथ ही साथ लोकेशन जो है मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आप नंबर में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जाने से पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बनता है एक्चुअली और इसमें क्या क्या डाला जाता है। आप अभी क्या बना रहे हैं? दही वड़ा बना रहा भैया। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। और अपना मुंह थोड़ा दिखा दीजिए इधर कैमरा में, देखिए यही जो है भैया लगाते हैं, ठीक है, मतलब घूम घूम के लगाते हैं गुल बाजार और कहाँ कहाँ? गुल बाजार, जनता मार्केट, बस स्टैंड, स्टेशन, गुल बाजार, जनता मार्केट और स्टेशन। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी एक नया बन रहा है, मैं तो ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो वही आप लोग आइए खाइए, तो ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं रख रहा, ठीक है, तो अच्छा लगे। वीडियो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप देख रहे हैं रेगुलरली गाइस वीडियोस को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इट हेल्प मी अलॉट। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा भला हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा। और एक बात पते की बात मैं बताता हूँ कि अगर आप ये सब्सक्राइब बटन दबाएंगे अभी ये रेड होगा और इसका कलर रेड है अभी, तो इसका कलर चेंज होगा, तो आप टेस्ट करके ज़रूर देखिए। थैंक यू। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कस्टमर रिव्यूज़ की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख साजू है। शेख साजू, और आप क्या यहाँ पे डेली खाते हैं? मैं डेली खाता हूँ। और आपको क्या मतलब कैसा लग रहा है खा के? ये बेहतरीन है। और अलग क्या है इसमें? इसमें अलग है, इसमें जो मसाला डालता है क्या साहब का मसाला भैया ने डालता है। हाँ, मेरे को नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इसको बहुत टेस्टी है,
खड़कपुर में और कहीं खाए हैं ऐसा? खड़कपुर में मैं खाया हूँ, फाइव स्टार होटल में खा चुका हूँ। हाँ। नहीं ऐसा कभी खाए हैं? मैं खाया हूँ। नहीं मतलब ये टेस्ट का? ये टेस्ट ऐसा नहीं मिला। नहीं मिला ना? चार चक्कर ठेला पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, वो कैसा लग रहा है खा के? जबरदस्त लगा भैया। आप क्या डेली यहीं पे खाते हैं क्या? नहीं तो फर्स्ट बार हम खा रहे भैया, मगर फर्स्ट बार ही हम मन आई है। तो खड़कपुर में इसके पहले कभी खाए थे आप ऐसा? नहीं उड़ीसा में हम खाए थे। उड़ीसा में ऐसा वाला मिलता है? नहीं एकदम उड़ीसा माल मिला। अच्छा जी, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा। डेली खाते हैं यहाँ पे? हाँ। क्या नाम है आपका? बागी बलिया। बागी बलिया। और आप मतलब कैसा लगता है आपको खा के? मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। क्या अलग है ऐसी दही बड़ा से यहाँ पे? सब कुछ ठीक है। नहीं नहीं, मैंने ऐसी तो दही बड़ा बहुत जगह में मिलता है, तो आपको क्या अलग लगा यहाँ पे खा के? भैया बना रहे फ्रॉम मन मर्जी, थोड़ा दाल मांगता, खट्टा मांगता, सब कुछ अपना मर्जी देता, थोड़ा बेटा प्याज देते, वो भी देता, वो भी अपना मर्जी से आप लोगों दे। कैसा लग रहा खा के? आप अभी पहला बार खा रहे हैं कि बहुत बार खा चुके हैं? बहुत ही, मतलब डेली स्टेशन से आते हैं आप क्या, यहीं पे खाते हैं? आपका क्या नाम है? उमर खालिद। उमाकांत। अच्छा अच्छा, तो आप डेली यहाँ पे खाते हैं, आपको क्या मतलब क्या डिफरेंट है यहाँ का इसमें दही बड़ा में? यहाँ जो है नीट एंड क्लीन है और खाने में अच्छा है, खाने में टेस्टी है। और आपको खड़कपुर में ऐसा मिलता है कहीं पे और? नहीं यहाँ तो सबसे अच्छा, सबसे अच्छा मिलता है आपको। और मतलब आपको मतलब अफोर्डेबल कैसा लगा, मतलब जो आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से कैसा लगा आपको? ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, थैंक यू रिव्यू देने के लिए।